आप सब लोगों की ओर से, भाई शैलेश लोढ़ा की ओर से, तमाम कवियों की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूँ। वाह वाह, क्या बात है का ये पहला एपिसोड है। पहला पहला कोई काम होता है तो देवताओं को याद किया जाता है, मुझे इसी क्रम में याद किया गया। चमत्कार पे मैं एक छंद आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। ओ अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम, अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। भारत ने कहा ऐसी उन्नति करेंगे हम, तुम मुंह में उंगली दबाते रह जाओगे। ये भारत ने कहा ऐसी प्रगति करेंगे हम, तुम सब डांस करोगे बिन डंडिया, ज्यादा बोलोगे तो व्हाइट हाउस पर लिख देंगे दिस बिल्डिंग इज मेड इन इंडिया। मेरी कविता के दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा एक वर्मा। थोड़ी देर के लिए आप भाई पॉपुलर को वर्मा मान लें और मुझे शर्मा मान लें। जी जी। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते तो शर्मा जी उन्हें बचाते। यहाँ तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि वर मांगो। इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहे का पुण्य काहे का परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूँ किसने मुझसे ले रखा है उधार। प्रभु मैं जानता हूँ ये आपका भक्त है लेकिन बड़ा ही कम भक्त है, अब आप स्थिति संभालो, ये तो दे नहीं रहा, आप मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान तत्काल हो गए अंतरध्यान। अंतरध्यान होकर बोले वत्स शर्मा, मैं जानता हूँ उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े हैं। पैसा तुमने दिया है तुम ही मांगने जाना, और हाँ वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। अब भगवान की ये बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया, उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। मैं एक पुराने फिल्म की पैरोडी से आपको जोड़ता हूँ, उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है, आप लोग आनंद लेंगे। ए सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे जाती रे, कर्जा तुझे जब लेना था 100-100 बार आता था, कर्जा तुझे जब लेना था 100-100 बार आता था, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आती रे। मेरे लेकर तूने मुझसे उधार, बीबी को बनाया हार, लेकर तूने मुझसे उधार, बीबी को बनाया हार, तेरी बीबी पहन उसे मेरी बीबी को चिढ़ाती रे। मेरे उधर एक घटना ने खुद भगवान को हिला दिया, उन्होंने शेष नाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवा दिया। मन में हर्षाए हर्षाए भगवान और शेष नाग भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेष नाग ने देखा सामने से आ रहा था एक भिखारी बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था दूसरे में मोबाइल। शेष नाग बोले वाओ प्रभु, भिखारियों का पोजीशन इतना साउंड वाओ। तभी भगवान बोले शेषनाग ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर है। बोले प्रभु प्रभु ये
देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान बोले यहाँ से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा है। शेषनाग बोले प्रभु आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले बिल्कुल नहीं चलाएंगे, अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये दोनों लेकर भाग जाएंगे। तभी अचानक कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ, उन्होंने भगवान के पैरों को छुआ। भगवान बोले ये पैर वह रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे उन पैसों का क्या हुआ? बोले प्रभु बहुत बुरा हुआ, आपसे भी कई दैत्य लोग उधार लेते होंगे, भगवान से उधार लेकर दैत्य ने क्या किया? नारद जी बताते हैं कि प्राप्तम उधारम च 60,000 दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम। पीटम पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डकारम ऋणम ग्रहीत्वा च डिसएपियरम अन्नम समक्षे कृत्वा च चीरम दिल्ली कैंटे च रेस्टोरेंटे च कटकंती मुर्गम विदाउट मफिरम ओम हिम किलिम एतत् प्रकाराणि तत्वानि स्वाहा ऋणम कृत्वा न पुनम दत्त्वा एतत् प्रकाराणि कुतत्वानि स्वाहा वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग भरानि नरकम गत्वानि स्वाहा। That was pretty interesting. Very interesting, very interesting. इससे ज़्यादा interesting चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हमारे वहाँ कुछ लोग हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, देखते हैं जरा। मेरे दिल के किचन में तेरे नाम का चूल्हा जलता है, तुझे याद करते हुए दाल पकाती हूँ, इसीलिए रोज मेरा पतीला जलता है। मेरी जिंदगी एक जुआ बन के रह गई है, जिसे मैंने चाहा वो मेरे